क्या तुम्हें भी लगता है कि वो यहाँ से सेला की वजह से गई है? हाँ शैसी, वो बहुत खुश थी। उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि इनफैक्ट उसने खुद अज़द के लिए हाँ की थी। तुझे क्या हो गया? इधर देख, अपने बाप को देख। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तेरा बुरा कभी नहीं चाह सकता। जानती हो पा, वैसे भी जिस चीज की इतनी अच्छी कीमत लगी हो उससे तो मोहब्बत होती है ना। मैं इसे बाहर लगवा के जा रही हूँ। दो मुझे, दो मुझे। मुझे हैरत होती थी कि वो कैसे बाप होते हैं जो अपनी बेटियों का फायदा उठाते। मुझे तो लगता था कि वो इस दुनिया की मखलूक ही नहीं होती, मगर अब अंदाजा हो रहा है कि वो तो बिल्कुल आम लोग होते हैं। सुन के दिल से आ और बेरहम होते हैं। तुझे क्या हो गया? देख, अपने बाप पे रहम था, किस तरह की बातें कर रही है। अब्बा, मुझसे नहीं देखा जा रहा आपको ऐसे। जो सारी उम्र लोगों को यही बताती आई कि बेटियां तो रहमत होती हैं, वो अनमोल होती हैं, उनका कोई मोल नहीं होता। लेकिन आप जैसे जालिम लोग उनका भी मोल लगा देते हैं। मेरी बात सुन, फिर क्या? दुआ, बेहतर होता तुम भी साथ ही चलती। अम्मी मैं क्या करूंगी, आप खुद हो आए। कपड़े तो तुम्हारे लिए खरीदने जा रही हूँ, तुम साथ चलती तो अम्मी पसंद से ले लेती ना। इसकी क्या जरूरत है? हमारे बाबा ने पैसे दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जाकर लेकर आओ। आप जो भी लाएंगी ना मैं पहन लूंगी। माँ बेटे, किस चीज का डर है तुम्हें? ढूंढ नहीं रहा है तुम्हें बाहर? पता नहीं अम्मी, बस खौफ आता है मुझे इन गलियों से डर लगता है। मैंने अपना बचपन खोया है यहाँ पर, अपने प्यारे रिश्तों को खोया है। खैर, आप जाएं, मैं घर पे रहती हूँ। ख्याल रखना। माम, बेटा तुम्हें पता है शहजाद कहाँ गए? पता नहीं, मुझे बताकर तो नहीं गए। अच्छा, फोन भी घर पे ही छोड़ गया? आप परेशान क्यों हो रही हैं? किसी मिलने वाले की तरफ चले गए होंगे। आंटी, अगर आपने कहीं जाना है तो मैं आपको ले जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, बगैर बताया गया ना, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, अब वो आएंगे ना तो आप उनके कान खींचेगा। तुम्हारे सामने खींचूंगी उसके कान। माम, आज अर्शद आया था। जी, मैं और शाहजी जब शॉपिंग से आए थे तब वो शायद जा रहे थे। वो भी दुआ के लिए बहुत परेशान है। बस उन्हें लगता है कि दुआ का कजन उनकी जिंदगी में वापस आ गया है, इसलिए दुआ चली गई यहाँ से। अगर बुआ का कजन वापस आ जाएगा तो वह इस घर से चली जाएगी? आंटी, दुआ अपने कजन से बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए तो उसने अज़द का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने तुम्हें कभी कुछ बताया नहीं अपने कजन के बारे में? आंटी, मैं तो बस यही जानती हूँ कि दुआ का कजन ये शहर छोड़ के बहुत पहले चला गया था और फिर कभी वापस ही नहीं आया। इतनी पुरानी मोहब्बत अभी भी बाकी? जी आंटी, दुआ उसे कभी भूल ही नहीं पाई। Thank you.
तुम्हारी आज भी बिना पूछे दरवाजा खोलने वाली आदत नहीं गई ना। इस घर के दरवाजे सभी ने तो बंद कर दिए थे सिवाय तुम्हारे, आज तुम भी बंद कर रही हो। प्लीज शहजाद वापस चले जाओ। जिसका इतने सालों इंतजार किया आज उसे देखते ही कह रही हो कि वापस चले जाओ। शहजाद प्लीज चले जाओ यहाँ से, अम्मी आ जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा। सईद अंकल कहाँ हैं? वो रात को आते हैं। और शानी, सिला? शानी भी रात को आते हैं, वो जॉब पर जाते हैं। और सिला तो? सिला तो क्या, बुलाओ उसे, शायद वही मुझे अंदर बैठने का कह दे। सिला की शादी हो गई है। क्यों चली आई हो तुम वहां से? बहुत दूर रह लिया सबसे, अब नहीं। और मुझसे खुद को मजीद दूर कर लिया? मुझे नहीं मालूम था कि तुम शहजी नहीं शहजाद हो। और जब मालूम हुआ तो वहां से भाग गई? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे पहचान जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि माँ मोहब्बत करती है तुमसे। और मेरी मोहब्बत का क्या दुआ? तो तुमसे तब से मोहब्बत कर रहा हूँ जब मुझे इस लफ्ज का मतलब भी नहीं पता। फजूल बातें नहीं करो शहजाद। नहीं है ये फजूल बातें, फजूल बातें होती तो तुम आज तक मेरा इंतजार नहीं कर रही होती। मैंने तुम्हारा इंतजार कभी नहीं किया। तो फिर अज़द क्यों कह रहा था कि जिसका तुम्हें इंतजार था वो लौट आया दुआ, और जिसकी वजह से तुम अज़द को छोड़ आई? क्यों? ईशा तुम जाओ यहाँ से, मुझे हैरत होती थी कि वो कैसे बाप होते हैं जो अपनी बेटियों का फायदा उठाते हैं। मुझे तो लगता था कि वो इस दुनिया की मखलूक ही नहीं होती। क्योंकि तो बिल्कुल आम लोग होते हैं, उनके दिल स्याह और बेरहम होते हैं। तो सारी उम्र लोगों को यही बताती आई कि बेटियां तो रहमत होती हैं और मोल होती हैं, उनका कोई मोल नहीं होता। लेकिन आप जैसे जालिम लोग उनका भी मोल लगा देते हैं। अमजद भाई किन ख्यालों में गुम है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ ठीक हूँ। अच्छा आधा किलो चने की दाल देने। क्या हुआ अमजद भाई, खैरियत तो है ना? अगर कोई काम वाम है, कोई मसला वसला है तो बताएं। पता नहीं क्या हो गया। मान लो दुआ, मान लो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। नहीं करती। अच्छा तो मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखकर कहो कि नहीं करती तुम मुझसे मोहब्बत। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? जहां से आई हो। मैं वहां से हमेशा के लिए आ गई हूँ शहजाद। दुआ वहां सब तुम्हारे लिए परेशान है। कोई किसी के लिए कब तक परेशान रहता, भूल जाएंगे सब। गलत कह रही हो, याद रखने वाले कभी नहीं भूलते। जैसे मैंने आज तक तुम्हें याद रखा और तुमने मुझे। हम कजन्स थे, कैसे भूल सकते थे। शुक्र है इतना तो मानती हो कि कजन। दुआ क्या तुम मम्मी के कहने पे वापस आई हो? वो मुझे ऐसा क्यों कहेंगी? क्योंकि वो उन लोगों के एहसानात के सामने सच नहीं बता सकते। लेकिन मैंने हमेशा से सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा दुआ, सिर्फ तुम्हारे बारे। मुझे खाला ने मजबूर नहीं किया शहजाद, तुम बिला वजह उन्हें इल्जाम मत दो। लेकिन उन्होंने तुम्हें बताया तो होगा ना। तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, वो सब तुम वहां की मोहब्बत पाकर भूल जाओगे। मतलब ये कि अम्मी मुझसे कुर्बानी लेना चाहती, क्योंकि माहम की फैमिली के मुझ पर बहुत एहसान आते हैं और तुम भी यही कुर्बानी देना चाहती माहम के लिए, यही बात है? मैं कोई कुर्बानी नहीं दे रही शहजाद, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम माहम को कबूल कर लो। नहीं दुआ, अब मुझसे ये नहीं होगा। शहजाद मुझे उस घर में बहुत सुख मिले, प्लीज उन्हें मेरी वजह से कोई दुख मत देना। जितने यकीन से मुझसे तुम उनके लिए सुख मांग रही, अगर इतने यकीन से मैं तुमसे अपने लिए सुख मांगूं दुआ तो मैं नहीं दे पाऊंगी।
मजबूर करोगे तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। माम, शेजी किधर है? मामा वो मुझे बताकर तो नहीं गए। आपको पता है आंटी भी मुझसे पूछ रही थी। वहां असचर डिस्टर्ब है दुआ के लिए। जी, अंदाजा है मुझे। अगर वो सिला की वजह से ही गई है तो कम से कम असचर से तो राप्ता कर लेती वो। मामा, असचर को लगता है कि दुआ का अपने कजिन से राप्ता हुआ है। तुम्हारा मतलब है कि वो यहाँ से इसलिए गई है कि अगर वो यहाँ रहती तो असद वाली कमिटमेंट उसे पूरी करनी पड़ती। शायद यही बात हो, लेकिन अगर कुछ भी होता तो एटलीस्ट वो मुझसे शेयर जरूर करती। बेटा, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। एक तरफ दुआ चली गई है, दूसरी तरफ जावी ने हमसे नजरें फेर ली हैं। मामा, आप सोचें, इस तरह तो जावी भी आपको कितना मिस करता होगा। वो मिस करता होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है बेटा तुम उसे बहुत मिस कर रही हो। मामा, वो बहुत हर्ट होकर गया है यहाँ से। उसे तो यकीन था कि हम उसे रोक लेंगे। माहम, ये खुशफहमियां मत पालो अपने अंदर बेटा। सिला उसे हमारे बारे में सोचने या मिस करने का ना वक्त देती होगी ना इजाजत। अच्छा मामा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस झगड़े को यहीं पे खत्म कर लें? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप जावी को एक कॉल कर लें तो उसकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। माहम, नाराज वो नहीं, नाराज मैं हूँ। मुझे तकलीफ हुई, वहां तुम्हारे बाबा को तकलीफ हुई है, तुम्हें तकलीफ हुई है। उसे कॉल करनी चाहिए ना, उसे मनाना चाहिए ना हमें। मामा, वो ये घर छोड़कर जाने पर जरूर बहुत शर्मिंदा होगा। वो शर्मिंदा होता ना तो पलट कर देखता। मम्मा, आप कॉल करती, मुझे यकीन है वो जरूर वापस आ जाएगा। कॉल आई थी उसकी? नहीं, मैंने कॉल की थी। शहजाद, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें कुछ अंदाजा है हम लोग कितने परेशान थे? सॉरी अम्मी, टाइम का पता ही नहीं लगा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? परेशान लग रहे हो मुझे। जी आंटी, मैं ठीक हूँ। सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी हुई। असमत, आप पूछें इससे, शायद हमारे सामने बताना नहीं चाह रहा। बहुत बुझा बुझा सा लग रहा है मुझे। जी भाभी, मैं बात करती हूँ उससे। माहम, कहीं तुम्हारी और शेजी की तो नहीं कोई बात हुई? नहीं मामा, वो दिन में तो बिल्कुल खुश थे। खुदा खैर करे, अब मजीद कोई परेशानी लेने की हिम्मत नहीं है। कहाँ गए थे तुम? अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कहाँ गया था। बस इसी वक्त का डर था मुझे। आपके इसी डर की वजह से मुझे और दुआ को कितना दुख पहुंचे आपको अंदाजा भी है? मैं नहीं जानती थी कि वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती है। तो अब जान गई है ना? ठीक है, मैं हारी और तुम जीत, हम सुबह ही वापस चले जाएंगे। मैं रोज भाई और आंटी को बता दूंगी
कि उनके एहसानों के सामने मैं अपने बेटे और दुआ की खुशियां कुर्बान कर रही थी। लेकिन प्लीज तुमसे एक रिक्वेस्ट है, रजी भाभी और माहम के सामने कुछ मत कहना। मैं भाभी के चेहरे पे मायूसी और माहम की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। इस गिल्ट को बर्दाश्त करने की हिम्मत है आप कि आपने जान के जान बूझ के अपनी बेटी की मोहब्बत छीनी उससे? अपनी जात से निकलकर सोचोगे ना तुम तो तुम्हें वो सिया रात याद आएगी जब हमारे पास सर छुपाने की जगह नहीं थी और मेहरोज भाई ने अपने घर में हमें पना दी, और पना भी ऐसी कि आज तक हम उनके अनायात और एहसानात के तले हैं। उन्होंने हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हमारी खुशी चाहिए शहजाद। तो अगर उन्हें आज हमसे माहम की खुशी मांग ली है तो हम एहसान फरामोश हो जाए? इस जात से निकलकर सोचोगे ना तो आंटी की शफकत और मोहब्बत तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि उन्होंने माहम और जावी से पहले हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है। शहजाद ठीक कह रही हैं आप अम्मी, मैं जानता हूँ ये बात कि मैं उनकी मोहब्बत और एहसानात का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, मुझे अंदाजा है। तो खुद कर्ज बन के मत सोचो शहजाद, दुख होगा इन लोगों को। दुआ का क्या अम्मी, छोड़ दूं उसे फिर से तन्हा? वो बहुत समझदार लड़की है, वो जानती है कि अपनी मोहब्बत का इतराफ करके खुदगर्ज बनने से कहीं बेहतर है कि अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दफन कर दे। खैर तुम सुबह जल्दी तैयार हो जाओ, हम निकल जाएंगे यहां से। कहाँ जाना है आंटी? वापस। इतनी जल्दी? हाँ बेटा, एक इमरजेंसी आ गई। शहजी आप परेशान क्यों हैं? आपको कोई बात बुरी लगी है? प्लीज मुझे बताएं। आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो। माम नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो फिर क्या बात है? वो बस अम्मी नाराज हो रही थी, मैं इतनी देर तक घर से बाहर था, किसी को बताया भी नहीं। Just that. Are you sure? बस यही बात है? हाँ हाँ बस यही है, तुम टेंशन मत लो। ले आओ भाई, बहुत भूख लग रही है। ये क्या, तुम नहीं खाओगी? खा लिया मैंने। क्या मतलब खा लिया? बाप हूं मैं तुम्हारा, जानता हूं तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। उठा लेना इसे, मैं भी नहीं खा रहा। अपनी जात से निकलकर सोचोगे ना तो तुम्हें वो सिया रात याद आएगी जब हमारे पास सर छुपाने की जगह नहीं थी और मेहरोज भाई ने अपने घर में हमें पना दी, और पना भी ऐसी कि आज तक हम उनके अनायात और एहसानात के तले हैं। उन्होंने हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हमारी खुशी चाहिए शहजाद। तो अगर उन्हें आज हमसे माहम की खुशी मांग ली है तो हम एहसान फरामोश हो जाए? अपनी जात से निकलकर सोचोगे ना तो आंटी की शफकत और मोहब्बत तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि उन्होंने माहम और जावी से पहले हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है। शहजाद मैं नहीं दे पाऊंगी, मजबूर करोगे तो मैं यहां से भी चली जाऊंगी। मैं तो सोच रही थी आज रात तुम सुकून की नींद सोगे। अब शायद मैं कभी सुकून की नींद ना सो पाऊंगी। मैंने रजी भाभी से बात कर ली है, मैंने उनसे कहा है कि तुम्हें अपने किसी दोस्त की वजह से वापस जाना पड़ रहा है, इसलिए हम सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे आप
शॉपिंग मुकम्मल कर ली। ठीक कहती थी आप, अपनी मोहब्बत को सीने में दफन करके तो जिया जा सकता है, लेकिन खुद गर्ज बन के जिया नहीं जा सकता। मैं तुम्हारा कर्ज समझ सकती हूँ शहजाद, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत बहादुर। क्या करूं अम्मी, इंसान हूं, भूल जाता हूं कि फरिश्तों में रह रहा हूं। क्या सोचती रहती हो दुआ बेटा, बाबा से भी अपने दिल की बात कर लिया करो। आप अभी तक नहीं सोए? अच्छा युवा जो नहीं सोया, तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। चलो बाप बेटी आज मिलकर खूब बातें करते हैं। तो फिर आपसे एक बात पूछूं? जो दिल में आया करे पूछ लिया करो, बल्कि कह दिया करो। अब मैं वो सईद अहमद नहीं रहा जो हर वक्त तुम्हें डांटता रहता था। वैसे एक बात मुझे भी तुमसे करनी है। जी पूछिए। पहले तुम बताओ तुम्हें क्या पूछना था। वो आपने रिमशा और शानी के रिश्ते के बारे में क्या सोचा? मुझे क्या सोचना चाहिए? शानी बहुत परेशान है बाबा। जानता हूं। तो फिर आप कुछ करें ना। अमजी चाचा तो आपकी हर बात मानते थे ना। मत नाम लो उसका। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था, तुम्हारे आने से वो जख्म फिर से हरे हो गए। उसकी खबासतों की वजह से ही मेरा घर बर्बाद हुआ था बाबा। लेकिन उसके किए की सजा शानी और रिमशा को तो नहीं मिलनी चाहिए ना। कई बार अमजद के दरवाजे पर अपनी हर्ज लेके जा चुका हूँ, लेकिन अब नहीं जा सकता दुआ। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारा दुख मैं भूल गया था, लेकिन जब से तुम वापस आई हो जैसे मुझे सब कुछ याद आ गया है। अब नहीं जा सकता मैं अमजद के दरवाजे पर। तो इसका मतलब है मुझे नहीं आना चाहिए था? कम अज कम मेरे ना आने की वजह से आप अपने बेटे की खुशियों के लिए अम्जी चाचा से लड़ने की हिम्मत तो रखते। शानी को तो याद भी नहीं होगा, बहुत छोटा था उस वक्त। लेकिन शायद अब अगर मैं उससे बताऊं तो रमशा का ख्याल दिल से ही निकाल देगा। नहीं 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 बाबा, आप प्लीज शानी से कोई बात मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी सजा शानी को मिले। बेटा रिमशा शानी के नसीब में है ही नहीं। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि अमजद अपनी खुदगर्जी और लालची फितरत की वजह से रिमशा की जिंदगी तबाह बर्बाद करना। खैर मुझे तुमसे कुछ पूछना है बेटा। जी पूछिए। सिला बता रही थी कि उसी अच्छे बड़े घर से तुम्हारा रिश्ता आया था। बताओ ना बेटा। जी बाबा। सिला की बात पर एतबार तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वाकई वो लोग अच्छे हैं? जी बाबा। तुमने उन्हें अपना यहां आने का बताया है?
क्यों? क्योंकि यहां आने से मेरा तारुफ पहले जैसा नहीं रहा। नहीं, मेरा मतलब था कि आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मेरा असल तारुफ तो यही है ना, मेरी यही पहचान है और मुझे इस पे कोई निदामत नहीं। क्या हुआ है? नहीं, देर से उठे हैं आप। वक्त का कुछ अंदाजा भी है आपको? अंदाजा है, बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ता लेकर आए ना। कम से कम नाश्ता तो खुद बना लिया करो। कब तक तीन वक्त का खाना बाहर से लाऊंगा? मुझसे नहीं बनते ये खाने वगैरह, इसीलिए मेड रख के दी थी। जो आने से पहले ही भाग गई। गायब नहीं हुई, आ जाएगी। उसकी कल कॉल आई थी कि उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई। लो जी, अभी से बहाने शुरू। भाभी, मैं तो कहती हूँ जिद छोड़ें और मान जाएं। और वैसे भी आप जिस उम्मीद में बैठे हुए हैं, उम्मीद पूरी नहीं हुई। किस उम्मीद में? यही कि आंटी कॉल करेंगे और हम वापस चले जाएंगे। मैं ऐसी किसी भी उम्मीद पे नहीं बैठा। वैसे भी बहुत ढीठ हैं आपके घर वाले। मैंने तो माम से कहा भी था कि कुछ शर्म करो, इकलौता बेटा घर छोड़कर आया। माँ को बोलो मना ले। तुमने फोन किया था माम? नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं की थी उन्हें। वो तो जिस दिन आप बाहर गए थे ना, तो आपका फोन बज रहा था, तो मैंने फोन उठा लिया था। तो वो क्या कह रही थी? आपकी गलतियां गिनवाने के लिए फोन किया था। मैं तो इतनी खुशी खुशी फोन उठाया था कि शायद बहन को उसके भाई की याद तड़पा रही होगी। लेकिन आपके घर वाले उन लोगों में से नहीं है जिन्हें किसी की याद तड़पा। बस कर दो सिला, मत दिया करो मुझे इताने। ये क्या बोला है? अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना मैं कर लिया करूंगी। मैंने फारिग रहकर क्या ही करना है, शानी का नाश्ता बनाना तो बना दिया बस। मैं मेहमान थोड़ी हूँ उस घर में, मुझे घर के काम कर लेने दिया करें ताकि मुझे एहसास हो कि ये मेरा अपना ही घर है। तुम्हारा अपना ही घर है मेरी जान, मेहमान नहीं हो तो। तुमने कहा था ना वो तुम्हें पेंटिंग वगैरह का शौक है, तो वो कलर उसका सामान ले आओ, अपना शौक पूरा करो। तो शौक तो पूरे होते रहेंगे ना अम्मी। अच्छा, वो आपसे एक बात करनी थी, बल्कि बाबा से बात की है लेकिन वो मान नहीं रहे। बताया था, गलत नहीं कह रहे तुम्हारे बाबा। अम्मी, मैं मानती हूँ बाबा गलत नहीं कह रहे,
लेकिन हमें पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा ना। हमारे लिए शानी की खुशी ज्यादा अहम होनी चाहिए। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अमजद की गलती की सजा तुमने इतने लंबे अरसे काटी है। देखिए, रिमशा को बहुत उम्मीदें हैं शानी से, बल्कि आप सब लोगों से। उसकी बदनसीबी है कि वो अमजद की बेटी। लेकिन शानी की तो खुशकिस्मती है ना कि वो एक ऐसी लड़की को पसंद करता है जिसकी तारीफ हम सब करते हैं। अपने बाबा से इस मौजू पर बात मत किया करो, तकलीफ होती है। शानी को नाश्ता दे दो। अम्मी, आपने तो कहा था कि बाबा अमजद चाचा के फैसले को बदल देंगे। वो क्या करें शानी, हर तरह से तो कह चुके हैं, अब वो ही नहीं मान रहा। इस सब का दुआ से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, छोड़ दो इस बात को। अमजद चाचा की वजह से दुआ को सजा मिली है, यही कहा था ना आपने? मैंने अभी सुना है। शानी, इन बातों को जानने की कोशिश ना ही करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो आपको क्या लगता है ये बात ना जानकर मुझे चैन आएगा? नहीं बता सकती। ठीक है, मैं दुआ से पूछ लेता हूँ। शानी, कुछ बातें बहने भाइयों से नहीं कह सकती। कसूर सिर्फ अमजद का नहीं था, हम सबका था। अमजद की आंखों में दुआ के लिए मैल था, वो मैल सिर्फ और सिर्फ दुआ और अम्मा जी को ही नजर आया। हम लोगों ने एतबार नहीं किया ना। अमजद हमें बेवकूफ बनाता रहा। याद है शानी, वो दिन जब हमारी दादो दुआ को लेकर इस घर से गई थी, के अगले दिन दुआ का निकाह था अमजद के साथ। रमशा बेटा, खाना लगा दो। बेटा खाना साथ ही खा लेते ना, आपको अंदाजा भी आपकी नाराजगी कितनी तकलीफ दे रही है मुझे। अपने बाप को कितना सताओगी? मैं जा रहा हूं, खाना खा लेना और दरवाजा बंद कर लेना। पहुंच जाएगा, आज ही पहुंच जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? काश हाजी ब्रेक ना लगती। तू मुझे मारना चाहता है? अरे तो जैसे नासूरों को मारना तो सवाब का काम है। बकवास मत कर मेरे साथ। रिमशा को बताना कि शानी मिला था, और ये भी बताना कि उसकी आंखों में कोई तकाजा नहीं था, सिर्फ नफरत थी। अरे जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरी नफरत से। अरे तुझ जैसे को तो किसी की नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता।
रिमशा को बताना कि शानी मिला था, और ये भी बताना कि उसकी आंखों में कोई तकाजा नहीं था, सिर्फ नफरत थी। तो जैसों को तो किसी की नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो फ्रॉलिको जी, क्या हुआ उसे?